मुश्किल तो नहीं पेश आई आपको? नहीं, कोई ऐसी मुश्किल तो पेश नहीं आई है। हमारे मामलात तो कोई ऐसी बात की नहीं थी। देखें, 9 मई को जो हुआ उसको सबने कंडेम किया। मैं मेरे ख्याल में उन पहले लोगों में था 9 मई वाले दिन, बल्कि उस दिन हमारी पेशी थी FIA के ऑफिस में, उधर फैसलाबाद में, और मैं उससे FIA से बाहर निकला हूं। जैसे ही वो कोई 3-4 घंटे सवाल जवाब करते रहे, तो जैसे ही बाहर निकला तो पहला सवाल ये किया जी कि ये खान साहब को अरेस्ट कर लिया है, तो आप उस पर क्या तबसरा करेंगे? तो मैं कहा मुझे पता ही नहीं कि खबर क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद से फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसको हमने सबसे पहले मैंने कंडेम किया था। मैंने कहा कि इट इज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह मैंने सब, वो तो खैर है ना, वो सारे करते हैं जाहिर है, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल किसी की पाकिस्तान में दो राय नहीं है कि नहीं होना चाहिए। मुजम्मतें भी हो गई या तो पार्टियां भी छूट गई उस चीज के ऊपर। वो तो खैर अब तो बड़ी क्लियर बात हो गई ना कि क्या वो, ये तो रेड लाइन क्रॉस हुई 9 मई की। मैं वैसे इलेक्शन के बारे में पूछ रहा था कि वैसे को प्रॉब्लम टेंशन तो नहीं ना तनु? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था 1997 में, तो उस दिन भी मैं मेरे ख्याल में उन पहले लोगों में था जिसने उसे कंडेम किया था और लाइव BBC पे जाके किया था। तो आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं थे उन पहले लोगों में जो एंटर हुए थे? सदर था नहीं, मैं शुक्र है अल्लाह का कि मैं नहीं था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लेते थे। उन्हें पता था कि ये एतराज करेगा। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया था, कई उनमें से फिर नाहल भी हुए। लेकिन मैंने उसी दिन रात को BBC वालों का टेलीफोन आया था, तो टेलीविजन के ऊपर मैंने उसको कंडेम भी किया, और मैं कहा अगेन आई सेड द सेम थिंग कि इट्स अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। तो इस पर बड़ा एतराज किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, और मुझे एक बड़े सीनियर हमारे साफी हैं, उनसे फोन करवाया था, जिनका मेरे साथ एक जाती ताल्लुक भी था, कि जा साहब ये आपने क्या कर दिया, और मियां साहब कह रहे हैं ये आपने क्यों किया। तो मैंने कहा ये इसलिए किया कि ये तारीख में पोस्टेरिटी विल रिमेम्बर अस इन बैड वर्ड्स, अगर ये इस तरह हम मामला याद रखें। तारीख को इस किस्म के तारीख वैसे याद ही ठीक ठाक ही रख दी है। मुनीब भी आ गए। मुनीब आज फिर आपकी कंप्लेन आई मुझे। अच्छा जी, मुनीब भी जरूर, मैं वीलॉक की कंप्लेन आती है ना, मैं फौरन आज थोड़ा फोन नहीं आया, फोन कर मैं क्या आज आ ही रहे थे, पूछ लें वो सब पूछ लें। को आपने क्या ये बात कही है कि जमशेद दस्ती के साथ जो हुआ वो, उसके बारे में क्या कहा आपने? मैंने तो ये कहा कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये हुए नहीं? नहीं 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 नहीं, मैंने कभी कहा? मैंने सुना, मुझे किसी ने फोन पे कहा कि आपने ये बात। आई सेड, मैंने तो अनइक्विकल वर्ड्स में कहा है कि अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मेरे साथ हुआ, एंड टू दी एक्सटेंट वो अपनी एलिया के बारे में ये बता रहे, तो उस बंदे को तो सैनिटी डिमांड्स की वो पूरी इंक्वायरी हो। और अगर कोई डिनायल आता है, अब देखिए डिनायल वो पुलिस का आ गया, वो चला देना या वो बताना, अगर पुलिस ये कह रही है दैट्स अनदर थिंग। पुलिस ने कभी मना नहीं, उन्होंने मना कर नाले बेचारे पुलिस वाले पुलिस जिसने अपनी की गलती मानी है वो किनिया की पुलिस है, जिसने पहले दिन कह दिया दर्शन शरीफ को हमने मारा। बाकी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना कि पुलिस ने कोई अपनी गलती मानी। ऑलवेज है कि समबडी एल्स इज एट फॉल्ट। और आधी पुलिस को तो पता भी नहीं होता ना। आधी पुलिस कौन सी होती? मतलब कि जेड़े बेचारे लगे होंगे थले, उन्होंने तो पता भी नहीं होता कि हो गया है, बाद च पता लगता है ना। जिस तरह बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस्लामाबाद के अंदर जो कहीं गए, और रात को उनको इस थाने में आ जाते थे, वो दोपहर कहीं और होते थे, और रात लिटरली द वर्ड्स वर यूज कि साढ़े को सट गया कोई, तो असी तो रोटी भी, वो भुखा सी, असी उन्होंने रोटी भी खुवाई है। और कल मैं किसी से मिला जिसको रोटी भी नहीं खुवाई उन्होंने, हाँ 3 टाइम उन्होंने कहा है पुलिस वाले, रोटी भी नहीं खुवाई। रोटी वाला मसला अपनी जगह, लेकिन ये